ओ कुछ बताना भी था क्या? मैं स्वाद में खो गया, सॉरी। जी सब्जी एक बार चला देते थे और ये अंकल की गाड़ी गाड़ी सब्जी एकदम, मतलब लोग बाबू की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे गाड़ी है गाड़ी, भैया इसे कहते हैं, थोड़ा सीखो गाड़ी सब्जी किसे कहते हैं। एक बार आओ और टेस्ट करो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अब ना मेरा थोड़ा मन कर रहा था आज की मैं थोड़ा कुछ खट्टा चटपटा कुछ खाऊं, मतलब कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था एकदम जो देसी था और मतलब टेस्टी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों मैं कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी ट्राई करूं। तो फिर मुझे खस्ता कचौड़ी से याद नाम याद आया, एक है संतोष कचौड़ी। अब मैं आया उनके यहाँ ट्राई करने के लिए, उनके यहाँ रसगुल्ला कचौड़ी और समोसे जो तीन चीज़ उनकी बेस्ट है ना, वो सच्ची में बेस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ और स्वाद भी दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। तो चलते हैं फिर। हाँ भैया, कचौड़ी का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो आ गए हैं हम संतोष कचौड़ी और समोसा भंडार में, और शायद क्या बन रही है अभी देखते हैं। बताओ, अल्लाह का हमारा अच्छा है कि ये हमारे आते ही अभी अभी एक नया घान डला है इनका कचौड़ी। कचौड़ी, समोसा, रसगुल्ला, ये इनकी है वैरायटी। ये तीन वैरायटी तो सबसे बेस्ट है इनकी, मतलब अपने कचौड़ियाँ तो बहुत सारी, तो कचौड़ी की भीड़ है मार्केट में पूरी, हर जगह कचौड़ी, हर कोई कचौड़ी देता है। लेकिन अगर आपने नहीं कचौड़ी खा ली ना, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी और की कचौड़ी फिर खाओगे नहीं। अब देखते हैं इनका, पहले ये घान निकल जाए तो गर्मा गर्म कचौड़ी और सब्जी हम भी खाते हैं और बताते हैं आपको कि ये कैसा है। और ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हैं। और ये हो गई तैयार हमारी कचौड़ियाँ, एकदम लाल लाल कलर आ चुका है इनका, सुनहरा सुनहरा। भैया और कितनी देर लगेगी? 5-7 मिनट और। मैं यकीन मानो मैं अभी आधे घंटे से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब उतरेंगी और मैं कब खाऊँगा, क्योंकि गर्मा गर्म कचौड़ियों का यार मज़ा ही अलग है। ये थोड़ा रोड साइड है ना, इस वजह से थोड़ी यार, अरे भाई रुक जा यार, पै पै पो पो करे जा रहा। और ये हमारी कचौड़ी की घान निकल रही है, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। और ये निकल गई हमारी कचौड़ी, और हमारी कचौड़ियाँ निकल चुकी हैं गर्मा गर्म। अंकल जी मेरे लिए एक प्लेट कचौड़ी लगा दो आप, एक प्लेट समोसा और एक रसगुल्ला, ये तीनों चीज़ आप लगा दो अंकल जी। एक कचौड़ी और ये कचौड़ी हमारी स्मैश हो चुकी है। इसमें फिलिंग किस चीज़ की होती है अंकल जी? ये मसाला क्या है इसके अंदर कचौड़ी? दाल की पिट्ठी होती है। अच्छा, दाल की पिट्ठी। और ये अंकल जी सब्जी एक बार चला देते थे, और ये अंकल जी गाड़ी गाड़ी सब्जी एकदम, मतलब लोग बाबू की मैंने वीडियो देखी, वो कह रहे गाड़ी है गाड़ी, भैया इसे कहते हैं, थोड़ा सीखो गाड़ी सब्जी किसे कहते हैं। ये क्या था अंकल जी? ये मेथी की चटनी है, ये धनिया की चटनी है। ओ, ये हमारी कचौड़ी लग चुकी है, आप इसे इधर रख दो और हमारा समोसा भी लगा दो। समोसे में चटनी खट्टी और मीठी। मीठी, खट्टी मीठी, मतलब दोनों। और एक रसगुल्ला, तीनों चीज़ें एक साथ लगा दो अंकल जी, मैं तो एक साथ ही खाऊंगा, मेरे को तो देख देख के इतना मुंह में पानी आ रहा। ये नहीं, काला वाला लगा दो, मुझे काला पसंद है। अब हम सब कुछ लग चुकी है, तीनों चीज़ जो भी मेरी फेवरेट है, और जितना मैंने इनका खा, मैंने पहले भी खाया है इनका, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे हर किसी का खा चुका हूँ। जो मुझे पसंद आया अभी तक वो संतोष कचौड़ी का पसंद आया। अब हम सबसे पहले आपको समोसा चख के दिखाते हैं। क्या पहले इसे दिखाओ, देख रहे हो फीलिंग, पनीर पनीर है, नकली नहीं है।
बाद जो आपके नॉर्मल समोसे होते हैं ना वैसे तो बिल्कुल नहीं चटपटी खट्टी, मतलब जिनको नॉर्मल चीज़ें हल्का हल्का मसाला खाने की जरूरत आदत होती है ना वो तो ना हो, पर जिनको मज़ा आता है ना टेस्टी और एकदम चटपटी चीज़ें खाने में वो जरूर आना भाई। ये हमारे कलर देख रहे हो एकदम खिल के कलर आ रहा है, और एक बार हम दिखाते हैं आपको खाके से इसका स्वाद कैसा है। कुछ बताना भी था क्या? मैं स्वाद में खो गया, सॉरी। मतलब ये एक नंबर। मैं एक बार वहाँ गया था दिल्ली चांदनी चौक, वहाँ पे मैंने खाई थी खस्ता कचौड़ी वगैरह, वो कुछ ज़्यादा ही खस्ता होती, मज़ा ही नहीं आया मुझे। लेकिन ये ना एकदम सब कुछ बैलेंस है, स्वाद भी बैलेंस है, खस्ता भी, जो खस्तानेस होती है ना कचौड़ी में वो एकदम बैलेंस है, और थोड़ा सा खट्टा मतलब मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसी कचौड़ी आपको नहीं मिलने वाली कहीं, यहाँ जरूर आओ। बहुत पीछे दिखाओ, कम से कम कचौड़ी समोसा भंडार जो बेस्ट चीज़ देते हैं। दो चीज़ खाली लास्ट लगे हमारे उसको, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे काला वाला रसगुल्ला पसंद है, ये थोड़े ज़्यादा सेके जाते हैं। ओ ऐसी एकदम स्मैश करती थी, ले गया दिल ले गया। मतलब एकदम ऐसे मुंह में रखते ऐसे पिघल गया, 10 में से 20 नंबर दो भाई रसगुल्ले को दिल से। रसगुल्ला बनाया हमने, इसके लिए तो मैं अंगल झप्पी दे सकता हूँ, जादुई झप्पी, मजा आ गया। एक बार इधर दिखाओ, समोसा कचौड़ी रसगुल्ला 10 में से 20 नंबर, इसको 10 में से 10, इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं, पता नहीं क्यों, पर 10 में से 9 नंबर है, परफेक्ट है, बेस्ट है। अब हमें आप ये खाने दो, उसके बाद हम आपको अंकल से बात करवाते हैं कि अंकल इतना क्या रात छुपा रखा है आपने खाने में, जो हमें भी पता है, हमें भी बताओ यार। चलो खाते हैं। अंकल जी दिल खुश कर देता, मज़ा आ गया आपकी कचौड़ी सब्जी खा के, सच्ची में आपने मतलब इधर की यहाँ पे बहुत सारे आसपास कचौड़ी सब्जी वाले, लेकिन आप यहाँ ज़रूर आना, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपको स्वाद नहीं आए ना तो मुझसे पैसे लेके जाना, मैं दूंगा आपको पैसे। अब अंकल जी जल्दी जल्दी से आप अपना एड्रेस बता दो। 40 रुपये थोड़ा दीजिए अंकल जी। आप अपना एड्रेस बताओ कि आपका ये दुकान है कहाँ? ये बड़ी होली चौक के पास। पूरा एड्रेस बताइए ताकि कोई बाहर से आए, दिल्ली से आए तो कैसे आएगा? हाँ तो बड़ी होली दिल्ली गेट के अंदर एंटर, दिल्ली गेट के अंदर एंटर करें और सीधे हाथ पे, पहले सीधे हाथ पे संतोष कचौड़ी समोसे के नाम से दुकान है, बड़ी होली वाली गली में, नहीं गली, बड़ी होली चौक पे, बड़ी होली चौक पे मेन चौक पे इनकी दुकान है, संतोष कचौड़ी समोसा भंडार के नाम से। एक बार आओ और टेस्ट करो, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, बाय बाय।